देश से लेकर शहर तक हर पल की खबर, शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद तक। औरंगाबाद के YouTube चैनल औरंगाबाद तक ये बड़ी खूबी से न्यूज देते हैं, अच्छी न्यूज देते हैं, बेधड़क न्यूज देते हैं। और इसी तरह से उन्होंने अपनी बात को लोगों के सामने रखना चाहिए। मैं औरंगाबाद तक को धन्यवाद देता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि ये आने वाले दिनों में औरंगाबाद शहर और जिले का सबसे बड़ा चैनल हो, यही मेरी शुभकामना है। हमारे डीसीपी औरंगाबाद शहर के नितिन बगाड़े साहब ने अभी अभी कहा है कि ऐसी फेक न्यूज कोई भी चलाएगा और गलत पोस्ट कोई भी डालेगा तो उसके ऊपर कड़क कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो उसके ऊपर कड़क कार्रवाई होंगी, ऐसा डीसीपी साहब ने बोला है, नितिन बगाड़े साहब ने। देखिए, ये इमाम इम्तियाज जलील अवेसी के पेज से डाल रहा है कि वंचित बहुजन अघाड़ी ने उसको पाटिंबा दी और ये हमारे पार्टी का डुप्लीकेट लेटर बनाकर वो भी उन्होंने सेंड किया है। ये 400 BC का उनके ऊपर गुना दाखिल हो रहा है और ये साइबर क्राइम को देखे कि इसमें उन्होंने लेटर जो दिया, इतनी गलत बात कर रहे हैं वो लोग, उनके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। उनको मालूम है कि अफसर खान वंचित बहुजन अघाड़ी प्रकाश अम्बेडकर साहब का कैंडिडेट चुन के आ रहा है, इसलिए ऐसी झूठी पोस्ट वो चला रहे हैं, लेटर भी हमारी पार्टी का झूठा बना रहे हैं, उनके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई। डीसीपी साहब भी यहाँ पर है, मैडम भी आए, हमारे अनुदत्त स्थाई सिरसाट यहाँ पर है, हमारे अमित भाई है, हमारे जिला अध्यक्ष है, तमाम हमारे पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर है। जब तक के उनके ऊपर कार्रवाई होती नहीं और ये जो लोग है इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और ये पूरे शहर को, पूरे तालुकों को, पूरे जिले को मालूम होना चाहिए कि कितनी घटिया हरकत ये लोग कर रहे हैं। कल गंगापुर वाले ने डाला, उस महा पुलिस स्टेशन में अमित भाई ने हमने बात की है, उसने माफी मांगा, पैर पड़ा और आज ये अवेसी के पेज से है, ये अवेसी का ऑफिशियल पेज है और ये हमारा लेटर भी उन्होंने डुप्लीकेट बनाया है और ये शहर के लोगों की दिशा भूल कर रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है ये चौथे नंबर पे शक्ति कपूर खासदार, इसलिए वो इस तरह की गेम खेल रहा है, इस तरह के लेटर इशू कर रहा है और इस तरह की पोस्ट डाल रहा है। मैं शहर ने औरंगाबाद से तालुके से और जिले से अदबन गुजारिश करता हूं कि झूठों के मक्कारों के चक्कर में ना आए और इनको इनकी जगह कल बताने का काम मेरी जनता जनार्दन करेंगी, मेरे दलित भाई करेंगे, मेरे मुस्लिम भाई करेंगे, मेरी माँ बहनें करेंगी, ओबीसी समाज करेगा, क्रिश्चियन समाज करेगा, धनगर समाज करेगा, सब। ये इतना झूठा खेल ये खेल रहे हैं, इनको जगह बताने का काम हमारे लोग करेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। कंप्लेन दर्ज है, गुनाह दाखिल है उनके ऊपर, ये लेटर बनाया डुप्लीकेट उन्होंने 420 का और इसका, दोनों सेक्शन उनके ऊपर लग रहे हैं, वन वाइज जो उनका ग्रुप चलाता है वो और ये असद अवेसी का ऑफिशियल पेज है, इन लोगों ने बनाया, दोनों भी गुने दाखिल हो रहे हैं और उनको इंक्वायरी करके कल अरेस्ट किया जाएगा, ऐसा हमारे को डीसीपी साहब और पीआई मैडम साहब ने कहा है। आमची दिशा तो इथे धरणाला बसायचं असं आहे, आमचं साहेबांचा पण आदेश आहे, परंतु आम्ही लाईन ऑर्डर खराब होऊ नये म्हणून आम्ही संयमाने काम घेतोय आणि हा अशी पोस्ट देत टाकतोय, याच्यात काही होऊ शकतो ना, त्यांची अशी पोस्ट टाकायची काय त्यांना गरज आहे का? अरे उसको मत मिलते ही नाही चौथे नंबर पे, इसलिए तो ऐसी पेज डाल रहा है ना, ये देखो ना सामने लेटर है ना, उसको मालूम है वो चौथे नंबर पे है, इसलिए वंचित बहुजन अघाड़ी ने पाटिंबा दिया। अरे तेरे को वंचित बहुजन अघाड़ी, तू दूसरा जन्म भी लेगा तो हमारे बाला साहब अम्बेडकर उसको देंगे नहीं, क्योंकि धोखेबाज है। बाला साहब अम्बेडकर को धोखा दिया, दलित समाज को धोखा दिया, मुस्लिम समाज को धोखा दिया, सभी समाज को उसने धोखा दिया, इसे शख्स को वंचित बहुजन अघाड़ी में समझते पाटिंबा ना देंगे ना दे सकती है। इम्तियाज जलील, इन्होंने बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी इनके पेज पे से, ऑथेंटिक पेज पे से झूठी अफवाह फैलाने का काम किया। वंचित बहुजन आघाड़ी का उन्होंने लेटर यूज, महाराष्ट्र का लेटर यूज करा और इस तरीके से उन्होंने पोस्ट बना के कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने, अफसर खान ने MIM को पाटिंबा दिया, जबकि ये सब झूठे वादे बिन मक्कार के बातें हैं। मैं आप सबसे, आपके माध्यम से मैं एक अपील करना चाहता हूं सभी भाइयों से कि इम्तियाज जलील के पैर के नीचे की रेत अभी सरक गई है
और उनको पता चला है कि वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी ताकत के साथ कल सब दलित मुस्लिम और ओबीसी भाई सब मिलकर वंचित बहुजन आघाड़ी को एक साथ वोट करके उनको जिताने वाले है। मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मक्कारी ये झूठी 420 की ये केस है, उन्होंने हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी की लेटर हेड छापकर और हमारे लोगों में संभ्रम निर्माण करने का काम MIM ने किया है। हम सब मिलकर यहाँ पर पुलिस स्टेशन में आए हैं, उनके ऊपर जल्द ही FIR दर्ज हो रहा है और जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई होगी। मैं सभी दलित भाइयों से अपील करूंगा कि अपन सगळे बघा कि आपल्याला थांबवण्यासाठी आपलं मतदान कसं थांबवलं जाईल। काही दलाल सुद्धा त्यांनी वस्त्या वस्त्यामध्ये पैसे घेऊन पाठवले, हे असे लेटर घेऊन ते पाठवत आहे की नाही, बाळासाहेब आंबेडकरांनी MIM ला पाठिंबा दिला, पण ते कदापि शक्य नाहीये। वंचित बहुजन आघाडीचा एकच उमेदवार ते अफसर खान या ठिकाणी आहे आणि अफसर खानच वंचित बहुजन आघाडीचा उमेदवार आहे। माझी सर्व दलित बांधवांना, माझ्या शहरातल्या तमाम ग्रामीण भागातल्या मुस्लिम बांधवांना, बहुजन बांधवाला विनंती आहे की उद्या ओम सकाळी होणाऱ्या मतदानाला आपण सगळ्यांनी ताकदीनिश उतरून रस्त्यावर सगळ्यात जास्त जास्त मतदान वंचित बहुजन आघाडी अफसर भाईला या ठिकाणी निवडून आणावा, ही आपल्या माध्यमातून विनंती करतो। प्रकाश आंबेडकर साहब ने क्या मैसेज? अभी साहब ने बताया कि जल्द से जल्द उस पर FIR करो और अगर FIR दाखिल होती नहीं तो यहाँ पर हम धरना भी करने वाले हैं। आज काही पोस्ट फेसबुक वर फिरतात आहेत, त्यात महत्त्वाची पोस्ट अशी आहे की औरंगाबाद मध्ये इम्तियाज जलील यांना वंचित बहुजन आघाडीने पाठिंबा दिलाय। मी आपल्याला हे सांगू इच्छिते, सगळ्या मतदार बंधू भगिनींना हे सांगू इच्छिते की असा कुठलाही पाठिंबा वंचित बहुजन आघाडीने दिलेला नाही, न यापुढे देईल। या अशा मक्कार फसव्या गुंड आणि बदमाश याला वंचित बहुजन आघाडी पाठिंबा देऊ शकत नाही। एक वेळ यांनी धोका दिला आहे, नुसतं वंचित बहुजन आघाडीलाच नाही तर सर्व समाजाला, ज्या सर्व समाजांनी याला मत देऊन निवडून आणले त्या सगळ्या समाजांना धोका देऊन यांनी 5 वर्ष सत्ता भोगली आणि सगळ्या समाजाला यांनी दूर केलं आहे। आजच्या प्रसंगी आम्ही एवढंच सांगू की जर याच्यावर केस दाखल झाली नाही, DCP साहेबांनी इथे सांगितलंय की आम्ही केस दाखल करतो, पण जोपर्यंत या ला उचलून आणल्या जात नाही, अरेस्ट केल्या जात नाही, तोपर्यंत आम्ही पोलीस स्टेशन मधनं हलणार नाही। आम्हाला सांगतात आहे आचारसंहिता आहे, इथे तुमच्यावर गुन्हे दाखल करतील। वंचित बहुजन आघाडी अशा गुन्ह्यांना घाबरत नाही। मी इथे पोलीस स्टेशनलाही हा इशारा देते की अशा कुठल्याही कायद्याला कायदा आम्ही एक हातात घेत नाही आणि असे कुठलेही गुन्हे आमच्यावर दाखल करत असाल तर आम्ही भिणार नाही। जोपर्यंत या जलीलला इथे अरेस्ट केल्या जात नाही तोपर्यंत वंचित बहुजन आघाडीचा एकही कार्यकर्ता इथं हलणार नाही। आणि सगळ्या बंधू भगिनींना मी एक आवाहन करते की उद्याचं इलेक्शन आहे, कुणीही कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न करू नका, कारण आपला उमेदवार निवडून येतो आहे, आपला उमेदवार निवडून येतो आहे, म्हणून याच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे, घाबरलेला आहे आणि अशा घाबरलेल्या अवस्थेत काहीतरी पागलपण हा माणूस करतो आहे। तर आपण सगळेजण कॉन्सन्ट्रेशन करूया आणि आपल्या उमेदवारा अफसर खान यांना वंचित बहुजन आघाडी तर्फे प्रचंड बहुमतांनी निवडून आणूया। धन्यवाद। जय भीम।